वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जो है अभी हमारा बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें हमने इंसर्ट कैटेगरी और व्यू कैटेगरीज के ऊपर काम कर लिया है पिछली वीडियोस में, और एडिट डिलीट वगैरह पर भी काम किया है। इस वीडियो में हम इंसर्ट न्यू ब्रांड का, अगर यहाँ से एडमिन पैनल से हम डायरेक्टली कोई ब्रांड इंसर्ट करना चाहते हैं जो कि डायरेक्टली इस वेबसाइट पे इफेक्ट करेगा, अगर यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरीज भी चेंज हो गई है और प्रोडक्ट भी चेंज है और ये सारा कुछ जो है चेंज है। ब्रांड्स वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें तो डायरेक्टली एडमिन पैनल से कर सकते हैं, ठीक है जी। वेरी सिंपली, चूँकि हम ऑलरेडी इंसर्ट कैटेगरी और व्यू कैटेगरीज के वो उस पर काम कर चुके हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा, यानी इंसर्ट ब्रांड और व्यू ऑल ब्रांड्स, ये दो काम हमारे लिए काफ़ी ईजी होंगे। जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं कि इंसर्ट अंडरस्कोर केट का ये जो पेज है इसका हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं और सेव इज करते हैं इस पेज को, सेव इज करते हैं इंसर्ट ब्रांड डॉट पी एच पी के नाम से। तो ये न्यू पेज बन गया। अब इसमें पोस्ट मेथड सारा कुछ है, जस्ट सिंपली हम यहाँ से ब्रांड टाइटल कर देते हैं, इसको चेंज किया, इंसर्ट न्यू कैटेगरी की जगह इधर ऊपर लिखा इंसर्ट न्यू ब्रांड, और इंसर्ट केट की जगह इस बटन को नाम दिया इंसर्ट अंडरस्कोर ब्रांड, और इंसर्ट ब्रांड दे देते हैं यहाँ पर वैल्यू। अब हमने कहा कि भाई इंसर्ट इंसर्ट ब्रांड का जो वेरिएबल अगर सेट हो तो सिंपली ब्रांड टाइटल का यह वेरिएबल हो जाएगा, और ऊपर वाले ब्रांड टाइटल के उससे जो है वहाँ पर डेटा आ जाएगा और इंसर्ट इनटू ब्रांड्स हो जाएगा, जहाँ पर ब्रांड टाइटल जो है ब्रांड टाइटल उस फील्ड का नाम है और वैल्यू होगी ये वाली ब्रांड टाइटल, और रन रन ब्रांड इंसर्ट ब्रांड रन ब्रांड, और यहाँ से ये भी चेंज करके इंसर्ट ब्रांड कर देते हैं और इधर से भी रन ब्रांड कर देते हैं। वेरी सिंपल, न्यू ब्रांड हैज़ बीन इंसर्टेड विंडो डॉट ओपन और व्यू ब्रांड्स के पेज पर इसको लेकर जाते हैं। कंट्रोल एस टू सेव, ये हमारा सारा काम था, जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंजिंग की, क्योंकि ऑलरेडी हम ये काम कर चुके थे और इस पर मज़ीद जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब सिंपली यहाँ पर आते हैं इंडेक्स वाले पेज के अंदर, जो एडमिन पैनल का मेन इंडेक्स पेज है उसके सोर्स में जाते हैं, और इधर ये एक ब्लॉक कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऊपर देखते हैं कि इंसर्ट उस पर क्या है, इंसर्ट अंडरस्कोर ब्रांड का यह वेरिएबल है, ये हम पर दे देते हैं एज ए कंडीशन ए सेट में कि इंसर्ट ब्रांड का अगर एक्टिव हो तो फिर ये पेज इंक्लूड करो इंसर्ट अंडरस्कोर ब्रांड, बाकी डेटा सारा वहाँ होगा। कंट्रोल एस टू सेव, ये पेज आपका यहाँ पर इंसर्ट वो हो गया, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। पेज में जाके प्रेस करते हैं और अभी आते हैं इंसर्ट न्यू ब्रांड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट न्यू ब्रांड इंसर्ट ब्रांड, तो मैं लिख देता हूँ हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स है, एच पी है, डेल है, नोकिया है, सैमसंग, सोनी, मोटरोला है। मैं इधर ऐड कर देता हूँ एल जी, एल जी लिख देता हूँ ब्रांड नेम, इंसर्ट ब्रांड पे क्लिक किया, कह रहे न्यू ब्रांड हैज़ बीन इंसर्टेड, और यहाँ पर ब्रांड टाइटल 30 नंबर लाइन पे कोई मसला है, 30 नंबर ब्रांड टाइटल इज इक्वल टू पोस्ट ब्रांड टाइटल इंसर्ट इनटू ब्रांड्स, सॉरी यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया है, नहीं यहाँ तो ब्रांड ब्रांड गलत लिखा है हमने, ब्रांड अंडरस्कोर टाइटल स्पेलिंग मिस्टेक थी, दैट्स वाई वो एरर दे रहा था। एनीवेज अभी हम दोबारा इंसर्ट करते हैं इंसर्ट न्यू ब्रांड, और यहाँ वेबसाइट में आते हैं देखते हैं कि एल जी एड हुआ या नहीं, एल जी एड नहीं हुआ देखे, इसलिए कि वो गया ही नहीं। अब दोबारा एल जी लिखा इंसर्ट ब्रांड किया, इधर देखो कोई एरर नहीं आया, न्यू ब्रांड हैज़ बीन इंसर्टेड, तो इधर आया प्रेस किया ये देखे, ये आ गया, एक खाली गया था, वो खाली को हम वो कर देते हैं, ये ब्रांड्स में आते हैं
एक इसमें खाली डेटा आ गया ये वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, अब वो खाली जगह यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है जी, ये आपका एलजी आ गया। तो दैट्स सिंपल, ये हो गया हमारा। अब व्यू ब्रांड्स में जो है सिंपली हम क्या करते हैं, इंसर्ट ब्रांड हो गया, नेक्स्ट व्यू में आते हैं और ये व्यू ब्रांड पे काम करते हैं। स्टेटमेंट